नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। ये देखिए, मैंने लगभग 4 से 5 आम लिए थे और आप देख सकते हो इसमें हल्का सा पीलापन भी दिख रहा है, क्योंकि आजकल धूप से कुछ आम थोड़े से नरम हो जा रहे हैं, कुछ थोड़े से कड़क हैं, तो इनमें खट्टा मीठा टेस्ट भी है। तो इसलिए मैंने चीनी 1 कटोरी भर के लिए, हम ये बाद में भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खट्टा आम मिला है, आपका आम ज़्यादा खट्टा है तो पहले हम देख लेंगे। तो इस हिसाब से मैंने 1 कटोरी चीनी ली हुई, 4 से 5 आम के टुकड़े कर लिए हैं। और मसाले देख लेते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है, और 1 चुटकी भर के यहाँ पर हींग ली हुई है मैंने, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर जीरा मैंने भून लिया है उसको और दरदरा कूट लिया है। फ्रेश ही इसे कूटें, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है चटनी में। फिर 1 चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो, जितना आप चटनी को चटपटा बनाना चाहते हो। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने काला नमक लिया हुआ है, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर सौंठ पाउडर लिया हुआ है। अगर आपके पास ये सौंठ नहीं है तो आप फ्रेश अदरक भी कद्दूकस करके चटनी में डाल सकते हो। तो शुरू करते हैं चटनी बनाना। तो ये देखिए, चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सर जार लिया हुआ है, और इसमें मैंने चीनी पीसी थी तो ये मैंने वही मिक्सर जार ले लिया है। तो अब मैं ये आम के टुकड़े इसमें डाल दूंगी। और सबसे आसान चटनी ये देखिए, एक ही मिक्सर जार में आसान सा हमारा ये काम हो जाएगा चटनी बनाने का। सारी चीज़ें हम इसी में डाल देंगे। तो ये देखिए, आम के टुकड़े मैंने डाल दिए मिक्सर जार में। अब मैं सारे मसाले भी डाल दूंगी इसी में। नमक, सौंठ पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर और थोड़ी सी हींग, और साथ ही अब मैं चीनी भी डाल दूंगी। और हम इसका बढ़िया पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, आम और सभी मसाले मिक्स करके मैंने बढ़िया पेस्ट तैयार कर लिया है, ये देखिए। और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है अभी इसे चाट लो। वैसे अभी भी आप इसे खा के देख सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। पकने के बाद तो इसका टेस्ट जबरदस्त हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है, पकाने के बाद इस चटनी को आप लगभग 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हो। ये देखिए कितने बढ़िया तैयार हो गई। तो अब करते हैं अगली प्रोसेस। तो ये देखिए, चटनी को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील की कढ़ाई ली हुई है। जब भी आप कोई खट्टी चीज़ पकाते हैं तो स्टील की कढ़ाई लें। तो ये देखिए, अब ये पेस्ट जो तैयार किया था वो मैं डाल दूंगी, ये देखिए। और कोई तड़का नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, कितनी आसान सी ये चटनी है। जितना पेस्ट तैयार हुआ है उससे बढ़िया डाल देंगे हम, ये देखिए। और अभी गैस ऑन नहीं की हुई है मैंने, अब गैस ऑन कर दूंगी मैं। तो ये देखिए, खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए पेस्ट मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और गैस ऑन कर दी है मैंने। अभी मीडियम आंच पे रखी हुई है गैस मैंने। तो अभी जो हमने इसमें चीनी डाली थी, तो अभी तो ये गाढ़ा है पेस्ट पूरा, और हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। तो अभी चीनी मेल्ट होगी, फिर ये पिघलेगी और हमें इसे पकाना है जब तक कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अभी तो ये पकेगी अच्छी तरह से, तो थोड़ी सी पतली होगी, फिर पक करके गाढ़ी होगी। तो लगभग 8 से 10 मिनट लग सकते हैं चटनी को। वैसे भी जितनी आप मात्रा में लोगे उस हिसाब से टाइम लग सकता है। थोड़ी सी कम होगी, मतलब आम कम होंगे तो और जल्दी पक जाएगा। और ये भी बता दूं, मान लो आप कि आम कच्चे हैं और पीसते समय मान लो आपने पानी डाल दिया, बस थोड़ा देर और ज़्यादा पकाने पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पानी डाल देंगे तो चटनी ख़राब हो जाएगी, बस हमें थोड़ा सा ज़्यादा पकाने पड़ेगा, जो मतलब जितना पानी डला हुआ है वो पूरी तरह से अब्जॉर्व हो जाए और चटनी हमारी पक के बिल्कुल गाढ़ी हो जाए, ये देखिए। तो ये देखिए, हमारी आम की खट्टी मीठी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हो कि इसका कलर भी डार्क हो गया है और पक के बढ़िया गाढ़ी भी हो गई है, कितनी स्मूथ दिखाई दे रही है देखिए। तो अभी जैसे हल्की सी पतली भी दिख रही है, तो अभी गर्म है काफ़ी, तो जैसे ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है कि एकदम ही वो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाए, कड़क सी हो जाए। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये चटनी बन चुकी है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी, ये देखिए, और इसे फिर एक सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। तो ये देखिए, कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा ये चटनी बनाना कितना आसान है, और इस चटनी के साथ में आप रोटी पराठा तो खा ही सकते हो, और ये चटनी चाट के साथ में, ब्रेड पकोड़ों के साथ में, समोसे के साथ में और पकोड़ों के साथ में तो बहुत टेस्टी लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस चटनी को बनाकर लगभग 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हो। तो अगर आपको मेरे ये कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी पसंद आई है, तो जब भी आप इसे ट्राई करें तो बताना ना भूलें कि आपको ये चटनी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।